रियलमी एक 1700 रुपए के बजट में आपको देता है सोनी आईएमएक्स 580C सेंसर। उसके बाद अगर देखा जाए रेडमी की तरफ से लेटेस्ट लॉन्च है रेडमी K20 Pro, जिसका प्राइस है 28,000, वहां पर भी आपको मिलता है सोनी आईएमएक्स 580C का सेंसर। इससे पहले हम लोगों को शाओमी रेडमी नोट 7 प्रो में देखने को मिला था सोनी आईएमएक्स 580C सेंसर। मैंने कैमरा रिव्यू किया है सोनी आईएमएक्स 580 सेंसर का, जहां पर मैंने शाओमी रेडमी नोट 7 प्रो वर्सेस रियलमी एक्स का कैमरा कंपेरिजन दिखाया, वो जाके आप आई बटन में क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको उस वीडियो में इंटरेस्ट है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं रियलमी एक्स का 586 सेंसर और K20 Pro का 586 सेंसर में क्या डिफरेंस है, या फिर दोनों का कैमरा परफॉर्मेंस कैसा है। यहां पर बेसिकली हम लोग दिखाने वाले आपको फोटो क्लैरिटी किस में बेटर है, नॉर्मल मोड में और 48 मेगापिक्सल मोड में। उसके साथ साथ इस वीडियो में दिखा गया मोस्ट ऑफ द फोटोज आप डाउनलोड कर सकते हैं खुद से, गूगल ड्राइव का मैंने लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, सो यू कैन डाउनलोड एंड चेक योर सेल्फ। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लो यार, एकदम फ्री है, उसके साथ साथ घंटी भी दबा दो जो भी एकदम फ्री है। सो दैट बीइंग सेड लेट्स गेट स्टार्टेड। दोनों कैमरा में आपको बाई डिफॉल्ट 48 मेगापिक्सल नहीं मिलता, बाई डिफॉल्ट आपको वही 12 मेगापिक्सल मिलता है। अगर आप चाहे तो 48 मेगापिक्सल में फोटो उठा सकते हैं। जनरली 48 मेगापिक्सल का रेजोल्यूशन ज्यादा होता है, साइज भी ज्यादा होता है इन कंपैरेटिवली 12 मेगापिक्सल कैमरास। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 12 मेगापिक्सल कैमरा वाला फोटो को दिखा के। ये जो फोटो आप देख पा रहे हैं ये नॉर्मल शॉट लिया गया है, नो डाउट दोनों फोटो काफी बेहतर है। यहाँ पर कोई भी आपका आर्टिफिशियल कलर या फिर क्रोमा बूस्ट ऑप्शन इस्तेमाल नहीं किया गया, दोनों का ये बाय डिफॉल्ट मोड है एकदम नॉर्मल वाला। अभी मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। जूम करने के बाद जैसे आप देख पा रहे हो रियलमी इसका फोटो काफी शार्प आया है इन कंपेयर टू K20 Pro। तो यहाँ पर इस फोटो में तो साफ विनर है रियलमी एस, क्योंकि यहाँ पर आपको काफी शार्प डिटेल्स मिलता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ और एक इंटरेस्टिंग चीज, वो है ये दोनों फोटो का साइज। अगर Realme X का देखा जाए यहाँ पर आपको मिलता है 4000x3000 रेजोल्यूशन और यहाँ पर आपको मिलता है साइज 2.35 MB का। अभी अगर K20 Pro का देखते हैं, K20 Pro में आपको मिलता है सेम 4000x3000, साइज है 4.37 MB का। तो जैसे आप साइड बाय साइड देख पा रहे हैं दोनों में साइज में कितना डिफरेंट है, और K20 Pro का फोटो लगभग डबल है, फिर भी Realme X का परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी बेहतर लगा। तो चलिए मैं आपको और एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ये वाला जो फोटो आप देख पा रहे हैं ये भी आपका दोनों फोन से लिया गया बाय डिफॉल्ट 12 मेगापिक्सल मोड में। मैं आपको जूम करके दिखाता हूं, ये जब जूम करेंगे तब K20 Pro में आपको मिलता है थोड़ा ज्यादा डिटेल, जैसे अंदर का जो पंखुड़िया है वो भी आप देख पाएंगे काफी बढ़िया तरीके से, लेकिन रियलमी एक्स में मुझे लगता है फोटो क्लैरिटी उतना बढ़िया नहीं आया। तो इस वाले फोटो में नो डाउट K20 Pro ने काफी बढ़िया काम किया है। बेस्ट आउट ऑफ थ्री करते हैं तो फाइनली देखते हैं और एक फोटो। ये वाला फोटो जो आप देख पा रहे हो नो डाउट ये दोनों फोटो काफी बेहतर आया, दोनों में कलर काफी बेहतर देखने को मिलता है, जहां पर Realme X का फोटो थोड़ा सा ब्राइट है, K20 Pro का फोटो थोड़ा सा डल है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूं। जूम करने के बाद जैसा आप देख पा रहे हो नो डाउट Realme X का फोटो काफी 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 बेहतर निकल के आया है इन कंपेयर टू K20 Pro। तो आउट ऑफ थ्री अगर देखा जाए नो डाउट Realme X wants 2:1। तो यहां पर नॉर्मल बाय डिफॉल्ट कैमरा मैंने जितना इस्तेमाल किया मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द टाइम Realme X में आपको बेहतर फोटो मिलता है। तो चलिए अभी मूव करते हैं 48 मेगापिक्सल फोटोस में। ये है आपका एक 48 मेगापिक्सल वाला फोटो। दोनों फोटो साइड बाय साइड जैसे आप देख पा रहे हो थोड़ा सा ब्राइट लगता है Realme X का फोटो और थोड़ा सा डल लगता है K20 Pro का फोटो। अभी मैं आपको जूम करके दिखा दो दोनों फोटो कैसा लगता है। जूम करने के बाद जैसे आप देख पा रहे हो दोनों फोटो में डिटेलिंग लगभग सेम है। जैसे मैंने बताया Realme X में लाइट थोड़ा सा ज्यादा कैप्चर होता है, K20 Pro में थोड़ा सा कम, बट ये फोटो में मुझे लगता है दोनों को सेम पॉइंट मिलना चाहिए क्योंकि दोनों फोटो लगभग सेम है। अभी मैं आपको और एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। जैसे आपने ये फोटो देखा इस फोटो का मैं आपको साइज दिखाता हूँ। Realme X का फोटो अगर देखा जाए 8000x6000 इसका साइज है अप्रोक्सीमेटली 10 MB के आसपास, और अगर K20 Pro का फोटो देखा जाए ये भी 8000x6000 लेकिन इसका साइज है 19.4 MB के आसपास, मतलब लगभग डबल साइज का फोटो आपको मिलता है K20 Pro में इन कंपेयर टू Realme X। लेकिन अगर परफॉर्मेंस देखा जाए पहले फोटो के हिसाब से दोनों का ही लगभग सेम रहा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं दूसरा वाला एग्जाम्पल। दूसरा वाला फोटो जैसे आप देख पा रहे हो माँ दुर्गा का बहुत ही बढ़िया आया है फोटो, आसमान का कलर भी काफी बेहतर है। लेकिन अगर फिर से मैं आपको बताऊं अगर आप थोड़ा बहुत कलर देखते हैं नो डाउट Realme X में थोड़ा सा बेटर कलर और लाइट कैप्चर हुआ है अन कंपेयर टू K20 Pro। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। जूम करके देखने के बाद जैसे आप देख पा रहे हो साफ साफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि Realme X में काफी बेहतर फोटो आया है जूम करने के बाद भी इन कंपेयर टू K20 Pro। ये वाला फोटो में क्लियर विनर है Realme X। मैं इस फोटो का मैं आपको और एक बार साइज दिखाता हूँ क्योंकि साइज काफी इंटरेस्टिंग है।
Realme X का जो फोटो है वो है आपका 6.9 MB का 8000 × 6000, और अगर मैं K20 Pro का फोटो देखूं ये आपका 17.4 MB का विद द सेम रेजोल्यूशन 8000 × 6000, तो आप क्लियरली देख पाएंगे लगभग 3 गुना ज़्यादा बड़ा फोटो है। लेकिन अगर परफॉर्मेंस देखा जाए Realme X का परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर है। तो साइज़ मैंने आपको बता दिया और परफॉर्मेंस भी मैंने आपको बता दिया। तो बोले पहले अगर 3 फोटो देखा जाए, पहला फोटो दोनों का सेम है, दूसरा तीसरा दोनों का फोटो Realme X में काफ़ी बेहतर है। तो चलिए चलते हैं चौथे फोटो की तरफ। दिस इज अनदर एग्जाम्पल, जैसे आप देख पा रहे हो दोनों फोटो काफ़ी बेहतर है, लाइट वही सेम है, नए से मैं नहीं बता रहा हूँ। अगर मैं जूम करके दिखा दूँ दोनों का डिटेल काफ़ी बेहतर है, लेकिन अगर आप देखते हो Realme X का फोटो जो काफ़ी क्लियर है। दिस इज द फाइनल एग्जाम्पल, ये वाला फोटो भी काफ़ी बेहतर है। अगर मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ नो डाउट दोनों फोटो में काफ़ी बढ़िया क्लैरिटी आपको मिलता है, लेकिन इस फोटो में मुझे लगता है K20 Pro थोड़ा सा बेटर काम किया है इन कंपेयर टू Realme X। लेकिन जैसे मैंने बताया आपका थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क है। तो यहाँ पर कंक्लूड करते हैं और ज़्यादा फोटोज नहीं दिखाते, आप थोड़ा बहुत पसल हो जाएंगे। तो फिर इनमें से मोस्ट ऑफ द फोटोज आप डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, सो यू कैन यूज दैट लिंक एंड डाउनलोड ऑल द ओरिजिनल इमेजेस। यहाँ पर अगर देखा जाए सोनी IMX 580 सीरीज दोनों डिवाइस में 17000 और 28000, 710 चिपसेट है, 850 चिपसेट है, लेकिन मुझे लगता है Realme X काफ़ी बेहतर परफॉर्म किया इन टर्म्स ऑफ 48 मेगापिक्सल फोटोग्राफी इज कंसर्न, इन टर्म्स ऑफ नॉर्मल बाय डिफॉल्ट 12 मेगापिक्सल फोटोग्राफी इज कंसर्न। सो नो डाउट दोनों कैमरा अपने अपने जगह पर बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपका बजट है 17000 रुपये के आसपास, नो डाउट आई थिंक Realme X आपको एक काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस देगा इन टर्म्स ऑफ सोनी IMX 586 परफॉर्मेंस इज कंसर्न। नो डाउट प्रोसेसर 855 का बहुत अच्छा है, फ्यूचर में अपडेट के माध्यम से K20 Pro भी होपफुली और भी बेटर परफॉर्मेंस देगा, लेकिन फॉर द टाइम में मुझे लगता है Realme X इज ए क्लियर विनर ऑन दिस टेस्ट। तो अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, उसके साथ साथ यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर, फेसबुक एंड श्योरली ऑन इंस्टाग्राम, विच इज इंस्टाग्राम स्लैश Radar15। तो इस वीडियो में अभी तक इतना ही, दिस योर होस्ट मी साइनिंग ऑफ फ्रॉम Radar, होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।